Dynamic stochastic general equilibrium models and classical Keynesian debate. Until recently, classical and Keynesian used very different models. Recently, each group has incorporated ideas from the other group. Keynesian economists began using DSGE models, and the classical began using sticky prices and imperfect competition. सो डी एस जी ई जो हैं ये सबसे आजकल कल इम्पोर्टेंट टूल बन गया है इकोनॉमी को डिस्कस करने के लिए सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट एजेंसीज और एकेडेमिक्स जो हैं वो इन इस टेक्निक को इस टूल को यूज़ करता है इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए इससे मुराद किया है पहले भी हमने एक किसी मॉड्यूल में इस पर थोड़ी सी बात की थी मैं ब्रीफली इसको बताता हूँ कि डायनामिक का जो वर्ड इसमें है इससे मुराद ये कि वी टेक इन टू अकाउंट द टाइम डायमेंशन ऑफ इकनॉमिक डिसजन्स के ये डिफरेंट मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल जो हैं वो ओवर टाइम्स किस तरह से बिहेव करते हैं इन मॉडल्स में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसको कैप्चर किया जाता है इसलिए इनको डायनामिक्स मॉडल कहते हैं दे आर स्टोकास्टिक मीनिंग दैट दे अलाउ फॉर रैंडम शॉक्स टू द इकॉनमी इकॉनॉमी में जो सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं ठीक है ये उनको इंकॉर्परेट करता है उनको हम डिस्कस करते हैं एनालाइज करते हैं तो इस कॉन्टेक्स में हम इनको स्टोकास्टिक कहते हैं कि जो रैंडम शॉक्स इकॉनमी को प्रोडक्टिविटी शॉक हैं या कोई और शॉक्स हैं उनको भी इस मॉडल में डिस्कस किया जाता है और फाइनली मॉडल्स आर बेस्ड ऑन माइक्रो इकनॉमिक फाउंडेशंस मीनिंग डेट दे आर बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकनॉमिक एजेंट्स एंड जनरल इकलीब्रम थ्योरी तीन तरह के एजेंट्स आप जानते हैं कंज्यूमर्स फॉर्म्स और गोरमेंट ये तीन हमारे मेजर इकनॉमिक एजेंट्स हैं तो हम इनके बिहेवियर को यानी कंज्यूमर्स से हम इसकी यूटिलिटी मैक्माइजेशन के हवाले से हम उसको डिस्कस करते हैं इसी तरह फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बात करते हैं इसी तरह गवर्नमेंट की फिजकल और मोनिट्री पॉलिसी की जो ऑप्शंस उसके पास हैं तो हम उन एजेंट्स को डिस्कस करते हैं माइक्रो फाउंडेशन ये कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं ओके फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरऑल जो कंजम्पशन जिसकी हम बात करते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन है ओब्वियसली ये इंडिविजुअल्स की कंजम्पशन को हम एडोप्ट करते हैं तो वो एग्रीगेट कंजम्पशन बनती है तो इंडिविजुअल अपनी कंजम्पशन का फैसला कैसे करते हैं अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन से इसी तरह प्रोडक्शन की जो हम एग्रीगेट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल फर्म्स की प्रोडक्शन को एडप करने से हो गई तो वो फर्म्स कैसे डिसीजन लेते हैं अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से तो हम इस तरह से माइक्रो इकनॉमिक फाउंडेशन से ये माइक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स हम डिवेलप करते हैं और जनरल इक्रीबियम थ्योरी से भी ये मुराद है कि हम इसमें के जी तमाम मार्किट्स इंटरेक्ट करती हैं और वो फाइनली फाइनलीलिब्रियम में आ जाती हैं तो मार्केट्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो उनके डिमांड साइड को उनके सप्लाई साइड को उनके इक्लिब्रियम को इंडिविजुअल मार्केट्स के एक्लिब्रियम के और फिर डिफरेंट मार्केट्स के साइमल्टेनियस एक्लिब्रियम को हम इसमें डिस्कस करते हैं सो इकोनॉमिस्ट फॉर एबल टू रिकनसाइल एग्रीगेटिव मॉडल्स विद मॉडल्स ऑफ माइक्रो इकनॉमिक फाउंडेशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम एग्रीगेट आउटपुट की बात करते हैं एग्रीगेट कन्जम्पन की बात करते हैं और इस तरह से लेकिन हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन से बिल्ड करते हैं और यूजुअली जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस की टर्म में हम इस पर बात करते हैं सो क्लासिकल एंड कैंडियन स्किल स्टिल डिसग्री अबाउट द स्पीड ऑफ वेज एंड प्राइस एडजस्टमेंट एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बट नाउ स्पीक द सेम लैंग इन मॉडलिंग द इकॉनमी यानी उनके डिफरेंसिस ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं अभी भी जो उनका बेसिक डिफरेंस तो इसी बात पर है कि प्राइस और वेजेस जो हैं वो किस स्पीड से एडजस्ट करती हैं ठीक है केन्स कहता है कि वो स्लोली एडजस्ट करती हैं और क्लासिकल कहते हैं कि वो बहुत इंस्टेंटली एडजस्ट कर जाती हैं लेकिन अब वो अपनी सारी बातें एक कॉमन एक फ्रेमवर्क है एक कॉमन मॉडल है उसमें वो डिस्कस करते हैं उससे सब बातों को समझना और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना आसान हो जाता है तो एक तरह से एक लैंग्वेज जो है वो सबके पास एक तरह से सेम लैंग्वेज अवेलेबल है जिसमें दोनों अपनी अपनी बात करते हैं ओके थैंक यू